लोग कहते हैं कि आप मुसलमानों के प्रोग्राम में बहुत जाते हो। मैंने कहा नहीं, गलत, मैं इंसानों के प्रोग्राम में जाता हूं। अभी कई बार जावेद जाफरी साहब ने, आगा सुल्तान साहब ने, कई मर्तबा हुसैनी ब्राह्मण का जिक्र किया। मुझसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा, क्या ब्राह्मण हुसैनी भी होते हैं? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कैसे? मैंने कहा जो ब्राह्मण होते हैं वो हुसैनी ही होते हैं। ठीक है सर, चलता है। तनवीर ने एक बात कही, मैं बहुत प्यार करता हूं तनवीर को, लेकिन उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि सब मुसलमान एक हो जाएं तो बड़ी अच्छी सूरत होगी। मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को इकट्ठा मत करो, हुसैनियों को इकट्ठा करो। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि मोहब्बत की बात करना अलग बात है, मोहब्बत करना अलग बात है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यजीदी इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए अब हुसैनी को इकट्ठा होना पड़ेगा। रोशन बेग साहब हैं? हैं हैं। नारा सलवाद। तो तनवीर साहब, हुसैनियों को इकट्ठा होना चाहिए और होना पड़ेगा क्योंकि यजीदी सब इकट्ठे हो गए हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि नामे हुसैन लेते ही आंसू निकल पड़े। नामे हुसैन, डॉक्टर हफीज साहब, कि नामे हुसैन लेते ही, जब मैं आ रहा था, डॉक्टर हफीज साहब फरमा रहे थे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी तशरीफ ला रहे हैं और उन वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, वो बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं। हुजूर, मैं नात पढ़ता नहीं हूं, मैं नात जीता हूं। और ये पहचान जो मुझे दी है, ये किसी ने खैरात में नहीं दी है, ये मौलाए कायनात का इश्क है और उसका कर्म है जो मुझे मिली है। मैं कहना चाहता हूं कि नामे हुसैन लेते ही आंसू निकल पड़े, पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से, पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से। लेकिन मेरे दोस्तों, हुसैन किसी फिरके, किसी मसलक, किसी कौम और किसी मुल्क की सरहद में महदूद होने वाली शख्सियत नहीं है। मैं तवज्जो चाहता हूं कि हुसैन का ताल्लुक अगर किसी मसलक से, किसी फिरके से, किसी कौम से, किसी एक मजहब से होता तो आचार्य प्रमोद कृष्णम यहां ना होता। कि हुसैन किसी मसलक, किसी एक मजहब, किसी एक मुल्क, किसी एक कौम की सरहदों में महदूद उन्हें नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा ना होता
तो जंगे करबला में हुसैन ये कहते कि मैं तेरी बैत नहीं करूंगा। गौर करिए, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि मैं तेरी बैत नहीं करूंगा, उन्होंने कहा कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता, मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं करेगा। इसका मतलब है कि यह झगड़ा जाति नहीं है, इसका मतलब है कि यह लड़ाई निजी नहीं है, ये लड़ाई ख्यालात की है, ये लड़ाई विचारधारा की है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी की है। जिस आइडियोलॉजी ने उस वक्त जुल्म ढाया, उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, उसका नतीजा बहुत से लोग कहते हैं कि जंगे करबला में हजरत इमाम हुसैन को शहादत मिली। बात ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों, हजारों साल बाद आज भी हुसैन जिंदा हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क में, घर में, हर एक मुल्क में, हर एक शहर में तुम्हें हुसैन नजर आएंगे, लेकिन चिराग लेकर के ढूंढने पर तुम्हें कोई यजीद नजर नहीं आएगा। यजीद नजर नहीं आएगा। और सबसे मजेदार बात यह है, गौर करने लायक बात यह है कि जो लोग यजीद को गुनाहगार कहते हुए शर्माते हैं, वो भी अपनी औलादों का नाम यजीद नहीं रखते। ये हुसैनियत है। लेकिन एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि किसी शायर से कहो कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तेरी शायरी को ना पसंद करता हूं। किसी चित्रकार से कहो हम तुझसे प्यार करते हैं, तेरे चित्रों से नफरत करते हैं। किसी बागवान से कहो हम तुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन तेरे गुलशन को मिटाना चाहते हैं, उजाड़ना चाहते हैं। मां बाप से कहो कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुम्हारी औलाद से नफरत करते हैं। क्या मुमकिन है उस शायर से जुड़ना? क्या मुमकिन है उस बागवां तक पहुंचना? क्या मुमकिन है उस मां बाप तक पहुंचना? क्या मुमकिन है उस चित्रकार तक पहुंचना? तो फिर एक सवाल उठता है, आप कहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसका नबी जिनसे मोहब्बत करता है, हम उनसे मोहब्बत की बात करते हुए डरते हैं। मतलब साफ है कि अगर अल्लाह से इबादत करनी है, उसकी इबादत करनी है, तो तुम्हें उसके नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर उसके नबी तक पहुंचना है तो अबू तालिब के घर से गुजरना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कहता, ये तो खुद नबी ने फरमाया है कि अगर मैं शहर हूं तो अली मेरा दरवाजा है। मुझसे पहले कई मर्तबा ये जिक्र हुआ है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन बड़ी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात आहिस्ता से की वो तुम्हें याद रही, और गदीर के मैदान में जो शोर मचा के कहा वो तुम सब भूल गए, वो तुम्हें कुछ भी याद नहीं। वो आपको कुछ याद नहीं। अरे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी की शुरुआत देखिए, हुसैन वहां पैदा हुए, उनके घर में पैदा हुए जो खुदा के घर में पैदा हुआ।
आज भी जो जहां पैदा होता है वहीं उसका कब्जा होता है, लेकिन यह पहली मिसाल है कि घर किसी का कब्जा की नहीं और का। मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को, मेरी आवाज जहां तक जाए हाथ खड़े करके दुआओं से नवाजिए, नारा सलवात आवाजे बाबुलंद होना चाहिए। इसको थोड़ा बढ़ा दो इसको, आवाज बढ़ाओ इसकी। कि मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को, मैं तवज्जो चाहूंगा तमाम मेंबर पे तशरीफ फरमा लो, कि मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को वो सहाबी हो गया। मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को वो सहाबी हो गया, और जिसने देखा इधर उधर वो वहां भी हो गया। मेरा हक है सलवात, नारा है सलवात। मुझमें एक बहुत बड़ा ऐब है कि मैं बात जलेबी की तरह घुमा घुमा के नहीं करता हूं, साफ करता हूं। कि मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को वो सहाबी हो गया, और जिसने देखा इधर उधर वहां भी हो गया। क्योंकि दाढ़ी रखना, टोपी पहनना, नमाज, ज़कात, रोजा, ये निशानियां हैं, लेकिन इस्लाम नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो कर्बला की जंग में जब यजीद से कहा गया कि हुसैन के तमाम लोग साथ में जो हैं उन्होंने बैत करने की बात की है, उन्होंने कहा नहीं, वो मुसलमानों ने बैत की है, इस्लाम ने बैत नहीं की है। इसका मतलब है कि जहां हुसैन है वहीं इस्लाम है, वही इस्लाम है जो इस्लाम कहता है कि मां के कदमों में जन्नत है। वो मादरे वतन की तोहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम कहता है कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है, वो वतन के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम कहता है कि किसी के दिल को दुखाने की इजाजत तुम्हें नहीं दी जा सकती है, वो किसी के घर के चिराग को बुझाने की इजाजत कैसे दे सकता है? इसका मतलब जो हाथ में AK-47 लेकर के बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं और कह रहे हैं ये इस्लाम है, माफ करना, मैं उसे इस्लाम मानने को तैयार नहीं हूं, मैं उसे इस्लाम मानने को तैयार नहीं हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, और पैगंबरे इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया। रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया है, और मौलाए कायनात को मौलाए मुसलमीन नहीं कहा गया, मौलाए कायनात कहा गया। मेरे दोस्तों, मुझे एक वाकया याद आता है कि एक आदमी अपना घोड़ा बेचने जाता है। घोड़ा इसलिए बेचने जाता है कि उसे जरूरत है। बेटा इसकी तवज्जो चाहूंगा, और तमाम जितने मौलाई यहां तशरीफ फरमा हैं उसकी बारगाह में बैठे हैं। एक खरीदार आता है, उसने कहा भाई ये घोड़ा कितने का है? उसने कहा यार सुबह से शाम हो गई, घोड़ा तो 5,000 रुपए का है लेकिन मैं 2,000 में दे दूंगा। उसने कहा क्यों?
उसने कहा मेरी मजबूरी है, मेरी बेटी की शादी, मेरी जरूरत है, मेरी मजबूरी है, मेला उजड़ गया तो घोड़ा नहीं बिकेगा, घोड़ा नहीं बिकेगा तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। खरीदार कहता है कि घोड़ा मुझे दे और 2,000 रुपया नहीं तो 5,000 रुपया मुझसे ले। बेचने वाला हैरान है, उसने पैसे हाथ में देखे, उसे अचंबा हुआ, उसने सवाल किया कि मेरी तो मजबूरी है लेकिन तूने 2,000, मैं तो खुशी से 2,000 ले लेता, 5,000 क्यों दिए? उसका जवाब जो लोग इस्लाम को मानते हैं ना उन्हें सुनना जरूरी है। उस खरीदार ने कहा कि तेरी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है। बेचने वाले ने कहा तुम्हारी क्या मजबूरी है? उसने कहा मेरी मजबूरी है कि मेरे नबी का हुक्म है कि किसी का सौदा खरीदना मजबूरी मत खरीदना। अब मुझे बताओ जो पैगंबर जिनका मैसेज यह है उनके चाहने वाला दहशतगर्द हो सकता है? आप करना क्या चाहते हैं? इस्लाम की कौन सी सूरत दुनिया को दिखाना चाहते हैं? यह बात ठीक है कि आप नमाज इस्लाम की तमाम चीजों से वाकिफ हैं लेकिन सही मायनों में पैगंबर की के मैसेज मुझे लगता है उसको आपने दिल में नहीं उतारा है। आपकी नीयत पे मुझे शक है। आपकी नीति ठीक है हो सकता है लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं है और यही इस मुल्क में हो रहा है क्योंकि हुसैन डे पे अगर जुल्म के खिलाफ आवाज को ना उठाया जाए ये बेईमानी होगी। इस्लाम कहता है अल खल्क अयालुल्लाह के तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। उपनिषद कहता है वसुधैव कुटुंबकम अयम निजे परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है तो फर्क कहां हो गया? अगर पूरी दुनिया एक परिवार है, पूरी वसुधा एक कुटुंब है तो फिर तनवीर उसका हिस्सा है, आगा सुल्तान उस परिवार का हिस्सा है, कलवे रशीद रिजवी उस परिवार का हिस्सा है, रोशन बेग उस परिवार का हिस्सा है। और अगर तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम उस कुनबे का हिस्सा है। फर्क कहां हो गया कि सारी दुनिया हमारा परिवार है, बात वो भी वही कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं लेकिन एक फर्क है, वो बात दिमाग से कर रहे हैं, हम बात दिल से कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मोहब्बत की बात करना अलग बात है, मोहब्बत करना अलग बात है। मैं आपके दरमियान उस मौला की बारगाह में इसलिए नहीं आया हूं हाजिरी देने कि मैं यहां मोहब्बत की बात करूंगा, मैं इसलिए आया हूं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और इंशाअल्लाह ताला ता कयामत तक करता रहूंगा। आगा सुल्तान साहब ने मुझे कई बार हुक्म दिया, पिछले 6 साल पहले मुझे याद है जब हम लोग यहां आए थे, बीच में मौका नहीं मिला, आज भी बड़ी परेशानियां आई, कल शाम की फ्लाइट से आना था वो रद्द हुई, रात की कराई वो रद्द हुई किसी वजह से, सुबह भी छूटने जा रही थी, मैराथन दौड़ दिल्ली में चल रही थी, सारे रास्ते जाम, लेकिन उसका करम और उसका हुक्म। आगा सुल्तान साहब मैं आपका ताउम्र शुक्रगुजार रहूंगा कि आपने तमाम मौला के चाहने वालों की जियारत करने का मौका दिया। अब इस बेंगलोर से आवाज हुकूमत तक जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, हाथ खड़े करके बताओ। जानी चाहिए, यह आवाज सिर्फ दिल्ली तक नहीं, यह आवाज अरब तक जानी चाहिए।
क्या जानी चाहिए कि फलक से जो उतर आया मेरी बात आपके दिल तक जाए तो खामोश मत बैठना, क्योंकि मैं हक की बात कर रहा हूं और जो हक की बात करता है वही सही मायने में हुसैनी कहलाता है। कि फलक से जो उतर आया जमी का वो सितारा है। मैं अपने मौला की शान में पढ़ रहा हूं कि फलक से जो उतर आया जमी का वो सितारा है। और एक एक हाथ खड़ा हो जाना चाहिए अगले मिसरे पे मेरे दोस्तों। और ये किसी और ने लिखा, आचार्य प्रमोद कृष्णम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है। रोशन बेग साहब पढ़ें, डॉक्टर हफीज पढ़ें, जावेद जाफरी पढ़ें, आगा सुल्तान पढ़ें, ये बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्तों। मौला की शान में कल की पीठ का पीठाधीश्वर पढ़े, ये बड़ी बात है। कि फलक से जो उतर आया जमी का वो सितारा है, और जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। अब एक एक हाथ खड़ा कर देना मौलाइयो, कि जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। हाथ नीचे नहीं आए मेरे दोस्तों, कि नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है। आगा सुल्तान साहब, खाने काबा तक आवाज जानी चाहिए। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है। आप नबी से मोहब्बत करते हो, नबी को मानते हो, और नबी जिन्हें कंधों पे लेके घूमते हैं उन्हें नहीं मानते हो। ये तमाशा क्या है? मुझे लगता है कि जो पैगंबर को मानते हैं वो पैगंबर की नहीं मानते। इसीलिए मैंने वो कहा कि जो आहिस्ता आहिस्ता बातें हुई वो सब याद हैं, और ऐसे उठा करके जो बातें कही गई जोर जोर से वो याद नहीं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, भाई आपका बिगड़ क्या जाएगा जो सच्चाई को स्वीकार कर लोगे? आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है। मैं पढ़ रहा हूं साहब, और बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक से फैला, जुल्म फैनेटिज्म, ना गलत। जो चीज सख्त होती है, कट्टर होती है, फैनेटिक होती है, वो फैलती नहीं सिकुड़ती है। याद रखिएगा, फैलता वो है जो लचीला होता है। तंग दिली और संग दिली का नाम इस्लाम नहीं हो सकता, फराग दिली और दरिया दिली का नाम इस्लाम है।
मैं पढ़ रहा हूं कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। जावेद जाफरी साहब, सिर्फ आपको ही नहीं, सबको। इसलिए मौलाए कायनात कहा गया ना कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, रिजक चींटी को भी बख्शा, दीन दुनिया में फैलाया। क्या बात, क्या सा मर्तवा रहा होगा वाह है कि जिसने जान ली खंजर भोंक दिया, उसको भी बचाने की कोशिश की कि इसके लब खुश्क हैं, लगता है रोजे से शरबत पिला दो। कोई मिसाल मिलती है ऐसी? मुझे नहीं लगता कि कोई पूरी दुनिया में इतना बड़ा मर्तबा। हिस्ट्री को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, जिस तरह से सुनीता जी कह रही थी जब वो पढ़ रही थी, मैं पता नहीं कहां कहां खो रहा था कि वो मंजर क्या रहा होगा, कितना जुल्म हुआ है साहब। सोच के रूह कांपती है। और उसके बाद ये मैसेज देना, हमारे यहां कहा गया उपनिषद में कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुरु न धर्मा ते मृतलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। जहां शील नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, सेवा नहीं है, सद्भावना नहीं है, त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, बलिदान नहीं है, वहां धर्म नहीं हो सकता। वहां धर्म नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये बात खास तौर से कहना चाहता हूं कि क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है, बलिदान और त्याग तपस्या का नाम हिंदुत्व है, निहत्ते अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है, शहादत का नाम इस्लाम है, हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता है, तमाम वसीलों को मिटाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो मैं पढ़ रहा हूं मेरे दोस्तों कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, रिजक चीटी को भी बख्शा, दीन दुनिया में फैलाया, हुआ कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला अली मौला मेरे मौला अली मौला। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, नफरत की बातें करते हैं, ये क्यों करते हैं और मजहब के नाम पे करते हैं। मुझे नहीं लगता, या तो वो दीन को मानते नहीं या दीन को जानते नहीं। मैं यहां से एक मैसेज लेके भी जाना चाहता हूं और एक दे के भी जाना चाहता हूं। कि कहकर के यूं तेरा मेरा उसको ना बांटिए, कहकर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए, हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है, हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है, हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है, हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है, अरमां है वो रसूल का प्यारा हुसैन है, जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं। जब मैं बैठा था तो मैं मौलाना कलवीर रशीद साहब से ये पूछ रहा था कि क्या वहां जाने की हमको अनुमति नहीं है, क्या पहरे लगे हैं क्या,
हम तो यार मौलाई हैं, हुसैनी हैं, टेलीविजन के सामने बोल रहे हैं, छुप छुप के भी नहीं कह रहे हैं, इसीलिए फतवे जारी होते हैं हमारे ऊपर। आप ये मत सोचो फतवे उधर हैं, इधर भी हैं, बड़े फतवे हैं। ये रोशन बेग साहब जानते हैं और भी डॉक्टर हफीज साहब भी जानते हैं, बड़े फतवे हैं। लेकिन मैं फतवों से नहीं डरता क्योंकि मेरी नीयत भी साफ है, मेरी आइडियोलॉजी क्लियर है। मैं जब तक जिंदा हूं सच बोलता रहूंगा, हक की बात करता रहूंगा। बहुत धमकियां मिलती हैं, आपको भी मिलेंगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुझे फूंक दे कोई या मेरी जबां काटे, मुझे फूंक दे कोई। और यही मैसेज है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और करबला से, जो पूरी दुनिया को मैसेज गया है, वो मैसेज है कि मुझे फूंक दे कोई या मेरी जबां काटे, मेरे ख्याल को फांसी लगा नहीं सकता, मेरे ख्याल को फांसी लगा नहीं सकता। तुम तो पूछ रहा था कलवे रशीद रजवी साहब से, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको वहां ले जाया जा सकता है। तो मैंने कहा भाई ले चलो हफीज साहब, चलेंगे आप भी, ले चलो। तो उन्होंने कहा साहब वहां एक खुदा को मानने वाले पर कोई रोक नहीं है। तो मैंने कहा भाई खुदा हजार होते कहां हैं, आप बताइए सुनीता जी, खुदा हजार कहां होते हैं? नहीं होते, परमात्मा एक है। अगर सिर्फ हमारा होता तो बाकी कैसे जिंदा होते। और अल्लाह ताला अगर सिर्फ आपका होता तो हम कैसे जिंदा होते। मेरे दोस्तों, लिबासों को, जवानों को मजहब समझने की भूल मत करो। हम उसके हैं, वो हमारा है। कि जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं, जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं, हर सिमत हर जगह दुलारा हुसैन है। और कलवे रुशैद साहब जब आप मुझे कहेंगे, हुक्म देंगे, तो मैं आपके साथ चलूंगा। वापस ना आऊं तब भी कोई मलाल नहीं रहेगा। मेरे दोस्तों, घर छोड़ दिया, वादाए मौला नहीं छोड़ा। घर छोड़ दिया, वादाए मौला नहीं छोड़ा। कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा, कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, के घर छोड़ दिया, वादा ए मौला नहीं छोड़ा, कुर्बानी ए इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, किसी हाल में दोनों ने पर्दा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। जब भी सोचते हैं वो कैसा मंजर होगा, आज हजारों साल बाद भी रूह कांप जाती है। लेकिन हजारों सलाम है उनको जिन्होंने अपनी गर्दनें दे करके, अपनी कुर्बानी दे करके इंसानियत को बचाया और इस्लाम को जिंदा रखा। मेरे दोस्तों, मैं
आपसे रुखसती चाहूंगा, लेकिन हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं बड़ी पवित्र भावनाओं के साथ इस देश को चारों तरफ से यजीदियों की नजर लग रही है। मैं आपकी तारीफ करूं, आप मेरी तारीफ कर दें, आप मुझे मेरी हौसला अफजाई करें, मैं आपकी हौसला अफजाई करूं, आप मेरी इज्जत अफजाई करें, मैं आपकी, यहीं तक सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के कोने कोने में हुसैन डे मनाया जाना चाहिए आगा सुल्तान साहब। यह जिम्मेदारी है हम सब की, और अगर इस मुल्क को बचाना है तो हम सबको अपने अपने मफाद की बातें छोड़ करके, अपने अपने स्वार्थ को छोड़ करके हुसैनियत के रास्ते पे चलना पड़ेगा। एक दूसरे के जज्बातों की कदर करते हुए आप मेरी आस्था का सम्मान करो, मैं आपके अकीदे का एहतराम करूं, यही दीन सिखाता है साहब, और यही दीन है साहब, यही दीन है। मैं मौला की शान में कुछ पढ़ के अपनी बात को खत्म करूंगा कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। क्या बात है, बेदार हो जाइए मेरे दोस्तों। कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, और ये मैसेज पूरे देश के कोने कोने में जाए, बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में जाए आगा सुल्तान साहब, कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। अली का जिक्र ना हो तो ये बंदा जी नहीं सकता। और ये जब चलेगा ना तो देखना मुझ पर कितने फतवे लगेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, पूरा कर रहा हूं, कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता, लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। और हाथ खड़े कर लेना मेरे दोस्तों दुआ के लिए, लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वालों, अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो, ना हो जिक्र अली तो ये बंदा जी नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आगा सुल्तान साहब। ऐसे नहीं यार, जबान के साथ दिल बोला, जबान के साथ दिल बोला, जमीन बोली फलक बोला, जमीन बोली फलक बोला, जमीन बोली फलक बोला। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, आप सबको ऊपर वाला मेरा मौला, आपका दामन खुशियों से भरा रहे, आपका आंगन खुशियों से भरा रहे, आपके रास्ते में कोई कांटा ना आए, आपके पाँव को कोई कांटा ना चुभे, और अगर इत्तफाक से आपके पाँव में कांटा लगे तो जितनी चुभन तुम्हारे पाँव को महसूस हो उतनी ही मेरे दिल को महसूस हो। इन दुआओं के साथ आपको उसकी जमानत पे छोड़ता हूँ। दुआ कीजिएगा, क्योंकि दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आपकी दुआओं से ही मैं चल रहा हूँ, वरना यजीदी बड़ी खतरनाक निगाहों से मुझे देख रहे हैं। दुआ कीजिएगा, आपकी दुआओं में असर आएगा। और मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, और बात ख़त्म करने से पहले कहना चाहता हूँ कि ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जिसे ज़मीर ना माने उसे सलाम ना कर। खुदा हाफिज़ मेरे दोस्तों।